वालेकुम, मैं रिमशा डिज़ाइनर की तरफ से शहना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज हमने ये मोर पंख वाला कान का एयरिंग्स आपको बना के दिखाया है। आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। देखिए इसमें यहाँ पे हमने इसमें ये कांटा डाला है कान में फंसाने वाला, और यहाँ पर हमने इसमें ये हरे कलर की ऊन से लटकन लटकाई हैं, और ये हमने इसमें 5 कलर की ऊन इस्तेमाल करी है। आज हम अपनी वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि हमने ये किस तरह से बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोर पंख के स्टार्टिंग में पहले हम यहाँ पे एक मैजिकल लूप बनाएंगे, और इसमें हमने 12.12 mm की यानी कि 7 mm की क्रोशिया इस्तेमाल करी है, और हमारा ऊन भी ये बारीक है। तो इसमें हम पहले मैजिकल लूप बनाएंगे, और फिर यहाँ पे हम पहले 3 चैने बनाएंगे। देखिए 2 और 3, 3 चैने बनाने के बाद अब हम इसमें देखिए 6 बार चैन को काउंट करा तो 2 हो गए, और ये 3, 4, 5 और ये 6, 6 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैजिकल लूप को हम थोड़ा छोटा करते हुए चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि क्रोशिया पे 2 बार फंदे चढ़ाएंगे, और लूप में डाल के पहले हम 2 का 1 करेंगे। देखिए फिर 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो इसे ट्रिपल क्रोशिया कहेंगे। तो हम यहाँ पे 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 बार निकालने के बाद दोबारा देखिए इस तरह से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 बार हमारी ट्रिपल क्रोशिया बन गई है। जिस हिसाब से आप इसे बनाते जाए, इसे मैजिकल लूप को छोटा करते जाएं, और फिर 6 बार हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जिस तरह से हमने इधर 6 बार बनाई थी, इसी तरह से इधर भी हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3, 4, 5 और ये 6। देखिए 6 बार बनाने के बाद अब हम यहाँ से इस वाले ऊन को कट करेंगे। इस ऊन को यहाँ से यहाँ पे आप दूसरे कलर का ऊन ज्वाइंट करेंगे। कलर का ऊन ज्वाइंट करने के बाद अब हम इसी लूप में हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। देखिए 6 बार बनाने के बाद अब हमारी जो ये फर्स्ट वाली चैन है, अब इसमें हम इसे में देखिए इस तरह स्टिच कर देंगे, और इसी लूप में डाल के 2 बार। फ्रेंड्स, अब हमने एक चैन में 1 बार बना लिए, अभी सेम चैन में 1 बार और बनाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट वाली चैन में भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट चैन में भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि जितनी भी ये हमारी चैनें दिख रही हैं सब में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करके यहाँ पे लाके ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ लाके हम इसे ज्वाइंट, अब ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इस ऊन को यहाँ से हम कट करेंगे। देखिए यहाँ से ऊन को कट करने के बाद अब इस वाले ऊन को हम अलग कर देंगे, और इसे यहाँ से अच्छी तरह इसमें देखिए इस तरह से ज्वाइंट करके इसको यहाँ से छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे देखिए दूसरा कलर अब हमें जो ज्वाइंट करना है, तो देखिए यहाँ से हम अपने क्रोशिया, ये हमारे तब पोजीशन बन के तैयार हो गया। अब हमने यहाँ से
देखिए यहाँ से हमने गुलाबी ऊन ज्वाइंट करी है, तो अब हमें हर चैन में एक एक बार इस ऊन को भी हम साथ में ही बिनते हुए चलेंगे। तो देखिए हर चैन में एक एक बार हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए हर चैन में एक एक बार, देखिए पांच हमें यानी कि पांच चैनों में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक दो तीन चार, इसको मिलाएंगे जहाँ ऊन ज्वाइंट करा तो हमें छः बार, अब हमें पांच बार बनानी है। इस वाले ऊन को यहाँ से हम देखिए एक दो तीन चार पाँच, एक में और बनाते हैं। तो जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट करी अगर वहाँ से गिनेंगे तो हमारी छः हो जाएंगी और हमें पांच बार और बनाना है। अब हमें ये बनाने के बाद अब देखिए नेक्स्ट वाली चैन में हम दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही चैन में दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए दो बार बना ली, अब हम दो चैनों में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यानी कि क्रोशिया पे बल चढ़ा के तीनों फंदे जो एक साथ निकाल देते हैं उसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। देखिए एक बना ली, नेक्स्ट चैन में एक बार और बनाएंगे, तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे यानी कि पहले तीन फंदों में से दो कम करें फिर दो को भी कम कर दिए। अब नेक्स्ट चैन में एक बार और बनाएंगे, तो देखिए दो निकाले फिर दो निकाले, तो ये हमारे डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया, ये हमने दो हाफ डबल क्रोशिया बनाई, ये दो डबल क्रोशिया बनाई हैं। अब देखिए हम तीन बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, लेकिन देखिए इस तरह से पहले दो फंदे निकालेंगे फिर दो फंदे निकालेंगे और फिर दो फंदे निकालेंगे, तो ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया हो गई। क्रोशिया पे दो बार बल चढ़ाएंगे और अब नेक्स्ट वाली चैन में डाल के देखिए पहले हमने दो फंदे निकाले फिर दो फंदे निकाले फिर दो फंदे निकाले, तो ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया। अब एक बार और बिनेंगे हम, देखिए इस तरह सॉरी दो बार बल चढ़ाएंगे और इस तरह देखिए ये हमारी हो गई। अब हमारी तीन बार तीन ट्रिपल क्रोशिया बना ली हमने। अब हमारी नेक्स्ट वाली में देखिए नेक्स्ट वाले में हम ट्रिपल से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यानी कि क्रोशिया पे तीन फंदे चढ़ाएंगे और नेक्स्ट वाली चैन में डाल के इस तरह से पहले दो निकालेंगे फिर दो निकालेंगे, देखिए फिर हमने दो निकाले और लास्ट में ये दो निकाल दिए, तो ये हमारी ट्रिपल से ट्रिपल क्रोशिया हो गई। फिर एक बार और बनाएंगे, देखिए तीन बार फंदे चढ़ाए हमने और सेम पैलिस में इसी में ही डाल के देखिए इस तरह से देखिए ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया बन गई। ट्रिपल से ट्रिपल क्रोशिया एक ही सेम प्लेस में हमने बनाई है। अब हमें इसमें नेक्स्ट वाले में तीन ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। देखिए नेक्स्ट वाले में डालेंगे, अब नेक्स्ट चैन में फिर नेक्स्ट चैन में देखिए ये हमारी तीन ट्रिपल क्रोशिया बन गई। अब हम यहाँ पे दो हाफ दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए हमारी एक बन गई। अब हम दूसरी बनाएंगे दूसरी चैन में, ये देखिए ये हमारे दो बन गई। अब हम दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यानी कि सारे फंदों को जब एक साथ निकाल देंगे और फिर नेक्स्ट चैन में भी डाल के दो, देखिए इस तरह से। अब हम एक ही इस ऊन को भी हम इसमें साथ में बिन लेंगे, देखिए अब एक ही चैन में हम दो बार सॉरी यहाँ पे हम सिंगल चैन बनाएंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दो, एक ही चैन में दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से।
दो बना ली। अब हमारी ये जितनी भी चैनें दिख रही हैं सब में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। देखिए जितनी भी चैनें दिख रही हैं सब में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करना है। देखिए जितनी भी चैनें हमारी हैं सब में हमने इसी तरह से बनाते हुए इसे यहाँ पे लाके जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से हमने और नेक्स्ट देखिए वाली चैन में लाके इसे इस तरह स्टिच करके इस ऊन को यहाँ से कट करेंगे और देखिए हमारा इतना पोर्शन बनके रेडी हो जाएगा। इसी तरह इसी सेम प्रोसेस से आप भी बनाते हुए इसे रेडी करिए। अब इस ऊन को यहाँ से हम कट करेंगे और येलो कलर का ऊन जॉइंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हमने यहाँ से जहाँ हमने ये ऊन कट करा था वहीं से हमने येलो कलर का ऊन जॉइंट करा इस तरह से। येलो कलर का ऊन जॉइंट करने के बाद अब हम इन दोनों ऊनों को इसी के साथ में बिनते हुए चलेंगे। देखिए एक हमने यहाँ पे और इसी सेम पैलेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जो हमारी नेक्स्ट चैन है इसमें ले जाके हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट वाली चैन में भी ले जाके हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि अब जितनी भी चैनें हमें दिख रही हैं सब में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए जितनी भी चैनें हमें दिख रही हैं सब में हमें येलो कलर की ऊन से सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन है पहले हम इसे कट कर देंगे। देखिए ऊन हमने कट करने के बाद अब जितनी भी चैनें हमारी दिख रही हैं सब में हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना। लेकिन हमने जहाँ पे ये दो ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी देखिए तो बनाई थी इसमें इस वाली चेन के बीच में हमें यहाँ पे देखिए एक बार बनाया फिर हम दोबारा भी इसी में ही बनाएंगे। यानी कि इस वाली चेन में हमें दो बार बनाना है। अब नेक्स्ट वाली में भी एक बार बनाएंगे और इस रो को पूरा कंटिन्यू ऐसे ही करते हुए इस रो को कंप्लीट करके यहाँ तक ला के हमें जॉइंट करना है। इसमें हमें सभी चैनों में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ ला के हम इसमें जॉइंट करेंगे। चलिए तो इस राउंड को इसी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पे इस ऊन को ला के जॉइंट करा है। अब हम इस ऊन को यहाँ से कट करेंगे, इसको निकाल के इसे अच्छी तरह से स्टिच करेंगे और इसको पलट के देखिए इसमें हम देखिए इस तरह से निकाल के निकाल के इनको तीनों को आपस में यहाँ से बांध देंगे और इस ऊन को यहाँ से कट कर देंगे। क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब हम इसमें आपको इस तरह से ऊन की झालर लटकाना बताएंगे कि हमने ये कितने बड़े ऊन की बनाई है इस तरह से आपको बताएंगे। चलिए इसको लटका के दिखाते हैं आपको। हम उंगली पे ऊन को लपेट लेंगे। देखिए जो हमारा ये बचा है एक्स्ट्रा इसको हम इसी तरह छोड़ेंगे फिर हम दूसरे यहाँ से इसे जॉइंट करेंगे और ये हमारा ऊन इस तरह से लपेटते हुए देखिए हम इस तरह ऊन लपेटेंगे। इस तरह ही हमें इसमें लपेट के ऊन और इसे यहाँ से कट करना है। इस तरह से हमें उल्टे पोजीशन में इसे पकड़ना है और देखिए हमने बिल्कुल बीच के सेंटर में जहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाई थी एक ही चैन में देखिए वहाँ से इस तरह से ऊन को पास करना है।
देखिए इस तरह ऊन को पास करने के बाद, और इसको इसी में आप अगर किसी भी चीज़ में लटकन लटका रहे हैं तो इससे ज़्यादा इजी तरीका आपको नहीं मिलेगा। आप क्रेशियाज़ की मदद से ही इसमें लटकन लटका सकते हैं। देखिए इस तरह पकड़ के खींच देंगे हम। अब देखिए फिर हम दो ऊन लेंगे और दोनों ऊन को बराबर करने के बाद, देखिए इस तरह बराबर करने के बाद रॉन्ग साइड से ही हमें ये बनाना है इस तरह से चैन में। देखिए चैन में हम इस ऊन को इस तरह से पास कर लेंगे। देखिए पास करने के बाद अभी जितने भी हमारे ऊन के, देखिए इस तरह बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। और आप चाहे तो पूरे में ही लटका सकते हैं इसी तरह से आप इसे बना के। देखिए मैंने इस वाले एयरिंग्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि एक बीच में लटकाया, 4 इस साइडों में लटका के इसे रेडी करा है। इसी तरह से मैं इसमें बनाऊंगी, बीच में एक हो गया, 4 इस साइड में लटकाने हैं मुझे, 4 इस साइड में लटकाने हैं। तो चलिए इसको लटका के फिर आपको दिखाते हैं। ये कान के एयरिंग्स बन के पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।